नमस्कार, मैं हूं आकर्षण निप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि कॉलेज के बाहर इस समय हम खड़े हुए हैं और कॉलेज के बाहर सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं वो जुटे हुए हैं। ऐसी ही कुछ कवरेज हमने कुछ दिन पहले आपको करनाल के अलग अलग कॉलेजेस से भी दिखाई थी, जिसमें बच्चों की मांग थी कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन लिए जाएं, जिसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने लगातार हो रही कवरेज के बाद जो सभी छात्र थे उनको एक ऑप्शन दिया कि आप ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। और इसी को लेकर जो डी फार्मेसी के बच्चे हैं, ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आप देख रहे हैं, जहाँ पर लगातार एक और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा में ज़रूर कम है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी को लेकर जो ये सभी स्टूडेंट्स हैं, इनका कहना है कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन होने चाहिए। जब हमारी स्टडी ऑनलाइन हुई है, हमारे जो जितना भी सिलेबस था वो पूरा नहीं हुआ, सेशनल जो हमारे एग्ज़ाम है वो अब ये चाहते हैं कि ऑनलाइन हो। क्या नाम है आपका, किस क्लास में, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रवीण डवास है, मैं डी फार्मेसी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपना हमारे ऑनलाइन स्टडी हुई थी, स्टडी होने के कारण हमारे ऑनलाइन सेशनल होने चाहिए, बट कॉलेज वालों ने हमसे सीधा मना कर दिया। अभी हमारे कॉलेज 10 दिन भी नहीं हुए खुले हुए और इन्होंने बोला है कि आप हमें ऑफलाइन सेशनल दीजिए, जिसकी हमें बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। अपने अभाव को देखते हुए कोरोना काल में, जैसे कि आपको भी पता है कि हमारी स्टडी हो नहीं पाई है और हमारे ना फ़ोन हमारे पास, मतलब नेटवर्क की कमी भी थी, जिसके कारण हमारी स्टडी नहीं हो पाई है। तो हम कॉलेज प्रशासन से यही अपील करेंगे कि हमारे ऑनलाइन सेशनल लिए जाएं, जो कि हमारे लिए जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। प्रिंसिपल से आप लोगों की बात हुई होगी, क्या आपको प्रिंसिपल ने क्या आश्वासन दिया है? क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी भी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो भी लगातार नारेबाजी कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारी मांग मानी जाए, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी ने नहीं माना, लेकिन जल लगातार कवरेज होनी शुरू हुई, यूनिवर्सिटी तक आवाज़ गई, क्या कहना चाहोगे? प्रिंसिपल मैम ने तो हमसे सिर्फ इतना ही कहा है कि अभी तुम्हारा कुछ भी, हम प्रिंसिपल मैम ने अभी सिर्फ यही कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं ले रही है, जबकि हमने बताया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन ले रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन ले रही है, तो मैम कहते हैं नीलोखेड़ी भी ले रही है, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन का मोड दे दिया, बट नहीं, हमारे कॉलेज में कोई नहीं कह रहा कि, वो कह रहे कि सिर्फ ऑफलाइन ही देना है अपने एग्जाम, जबकि कई बच्चे थे हमारे कॉलेज में गाँव से हैं जिनके घर नेट भी नहीं चल रहा, फ़ोन भी नहीं है, तो वो बच्चे कैसे ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं? आज भी बच्चों की अटेंडेंस चेक करो ऑनलाइन की भी, 60-70 बच्चा प्रेजेंट होता था 120 में से, बाकियों के पास ना नेट है ना फ़ोन है, वो कैसे बच्चे पढ़े हैं? अब उनका 10 दिन बाद 15-20 दिन हुए होंगे हमारे कॉलेज ओपन, हर महीना हो गया होगा, बट बच्चों के पास नहीं है, जिनको स्टडी नहीं हो रही प्रॉपर, तो बच्चे कैसे एग्जाम्स दे सकते हैं? 8 से हमारे एग्जाम्स हैं, बच्चों की तैयारी नहीं है, सेशनल्स हैं, सेशनल्स के मार्क्स तो तभी लगेंगे ना जब हमें तैयारी होगी, जब हमें तैयारी ही नहीं है तो मार्क्स कैसे लगवा देंगे अपने, और सेशनल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो प्रिंसिपल दिव्यांश है और सबकी अलग अलग दिक्कत है, कोई कह रहा है कि गाँव के जो बच्चे हैं उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। भैया, जब इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो फिर पेपर कैसे देंगे, ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे पाएंगे आप? सर, वो हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा देख दूसरे की सहायता ले सकते हैं, हम साइट से कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके कर सकते हैं सर, हम जो कि हमारे वैसे भी जो सर हमारे कॉलेज के अभी भी हमें रिपोर्ट मिली है कि 2 बच्चे हमारे, उनको फीवर है 3 दिन से, अब उन्होंने अपना सैंपल दिया, कल पता नहीं उनको कोरोना पॉजिटिव आया कैसे भी है, अब हम उनका बता सकते हैं, कल बता देंगे उनकी की रिपोर्ट क्या आई है। क्या नाम आपका? मोहित शर्मा, मेरा नाम स्पीडो से, डी फार्मेसी सेकंड ईयर। डी फार्मेसी सेकंड ईयर के हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं उनके अलग अलग दिक्कतें हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या तमाम जो भी यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया की है, वो लगातार यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का या तो विकल्प दे रही है या फिर सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम ले रही है, यहाँ तक कि करनाल के कुछ स्कूल्स भी ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, इनका कहना है कि ऑफलाइन एग्जाम देने की स्थिति में हम नहीं है, हम ऑनलाइन एग्जाम ही दे सकते हैं। आपका क्या नाम है और स्कूल में आपकी बात हुई होगी, कॉलेज में आपकी बात हुई होगी, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं आप? मैम तो अभी ये कह रही है कि अभी इस बारे में कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, लेकिन तुम अगर ऐसा कुछ करोगे, अपनी तुम्हारी डिमांड होगी तो हम इसमें कुछ एक्शन लेंगे। बाकी अभी बोर्ड में बात कर रहे हैं मैम, हमारे डायरेक्टर सर से भी बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ टाइम दिया मैम ने कि भाई कुछ थोड़ा वेट करो। बोर्ड अपना पंचकूला वहाँ से आएगा नहीं, लेकिन सेशनल तो इनके हाथ में कंडक्ट करने हैं, वो बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, वो सेशनल हमारे कॉलेज के हाथ में है, हमारे प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर के। मेरा नाम मोनित है, मैं पानीपत से।
आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि कम से कम सेशनल तो जो है हमारे वो हमारे हिसाब से लिए जाएं। तमाम आप ये स्टूडेंट देख सकते हैं, लगभग 120 के आसपास बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं, और उसमें से 100 से ज़्यादा बच्चे इस टाइम ये चाहते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लिए जाए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख रहे हैं, करनाल के गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से, जहाँ पर तमाम जो ये स्टूडेंट्स हैं इनकी मांग है कि जो प्रिंसिपल है उनसे हमने ज़रूर अपनी बात कही है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी हमारी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, ताकि इन स्टूडेंट्स की जो मांग है वो कम से कम जनता तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके, प्रशासन तक पहुंच सके, और जिस बोर्ड से ये अफिलिएटेड है वहाँ तक ये मांग पहुँच सके। जी सर, हम तो यही चाहते हैं, हमारे यहाँ ना ऑनलाइन क्लासेस लगी है, तो ऑनलाइन ही सेशन होने चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, तो हम इसी चक्कर में जाते हैं कि ऑनलाइन सेशन हो हमारे, क्यों ऑनलाइन क्लासों में किसी बच्चों की ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, कईयों ने क्लास लगाई है 120 बच्चे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 बच्चों ने क्लास लगाई है, बाकियों को सिलेबस का भी नहीं पता, इस वजह से हम चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम हो हमारे। तो कॉलेज की ही कुछ लड़कियां भी यहां पर मौजूद हैं, उनका भी कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम हो। गुड़िया, कौन सी क्लास में हो आप, क्या नाम है आपका और क्या मांग है आपकी? सर मेरा नाम कोमल शर्मा है, सेकंड ईयर क्लास में हूं, और हम चाहते हैं हमारे ऑनलाइन एग्जाम हो। तो आपने प्रिंसिपल से बात की, कुछ बोल रहे हैं आपके? वो प्रिंसिपल ऑफलाइन से कह रहे हैं, ऑफलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन के लिए कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं? हाँ जी। तैयारी वगैरह आपकी? सर ऑनलाइन में नहीं है, सर ऑनलाइन में कोई क्लास ही नहीं लगा रहा था, तो कैसे तैयारी होगी? नेटवर्क की प्रॉब्लम वगैरह थी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की ये तस्वीरें, जहां पर तमाम जो ये स्टूडेंट्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारे जो एग्जाम है पूरे तरीके से ऑनलाइन लिए जाए। एक बार अंदर चलते हैं, जो प्रिंसिपल है उनसे भी बात करते हैं कि वो इस पे क्या कहते हैं, और क्या इनकी मांग पर कोई विचार किया जा रहा है, या फिर इन्हें ऑफलाइन एग्जाम ही देने पड़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो ये स्टूडेंट्स हैं नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो के साथ शेयर जरूर कर दें। तो जैसा कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल के खिलाफ, कॉलेज के खिलाफ, माफ़ कीजिएगा, नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनके एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने चाहिए। इसी को लेकर जो गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की प्रिंसिपल हैं उनसे हम पूछते हैं कि स्मृति चांदना जी, मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो होने चाहिए। पीछे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने डिसीजन बदले, क्या बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लिए जा सकते हैं? रीज़न क्या है कि इनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही? सर एक्चुअली बेसिकली ये बात इन्होंने अभी आज ही हमें, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब जो स्पष्ट बोला है वो पहले एक एप्लीकेशन आई थी एक दो दिन पहले, हमने इनको बोला था कि भाई अभी तो जगह जगह, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट के स्कूल्स भी खुल गए हैं, फोर्थ ऑनवर्ड्स भी खुल गए हैं, थिएटर्स भी खुल गए हैं, एंड हमारा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दे आर कंडक्टिंग देयर एग्जाम्स इन दी ऑफलाइन मोड सर। तो दीज आर बेसिकली नॉट दी फाइनल, दीज आर जस्ट दी सेशनल्स। लेकिन सर फिर भी अगर हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस आती हैं ऊपर से कि भाई ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने हैं, तो सर वील फॉलो दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अभी तो सर गवर्नमेंट सब कुछ खोल रही है, इवन हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला से भी पता किया, दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग देयर एग्जाम्स इन दी ऑफलाइन मोड। तो सर हम अकॉर्डिंगली जो है उसको मोल्ड कर लेंगे, कहीं से भी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन इस, तो सर हम डेफिनेटली सर जैसी भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आएंगी हम उसको फॉलो करेंगे। बच्चों ने कोई एप्लीकेशन भी दी आपको इसके लिए? हाँ जी सर, एप्लीकेशन आई है, हमने इनको यही बोला है कि अगर हमें कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो डेफिनेटली सर, अदरवाइज सर अभी तो सब कुछ ऑफलाइन मोड में गोइंग ऑन है। कोई डायरेक्टर से या किसी से बात हुई मैम? सर हाँ जी, डायरेक्टर सर से डिस्कस हुआ है मेरा, बाकी अभी आज आएंगे तो मैं आगे डिस्कस करती हूँ सर फिर अकॉर्डिंग। तो ये थे प्रिंसिपल गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी
यूनिवर्सिटी के, और उनका कहना है कि जिस तरह से धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, कॉलेज स्कूल खोल दिए गए हैं, उसके बाद ऊपर से इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है, जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती तब तक हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते। फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जगह डटे हुए हैं, और स्कूल प्रशासन का कहना है कि जैसे आदेश हमें ऊपर से मिलेंगे उसी को हमें फॉलो करना है। आप देख रहे हैं AB24, मैं हूँ आकर्षण उपल अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ, गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।